चलिए स्वागत है बच्चा लोग फिर से हमारे चैनल पे। और आज हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, केमिस्ट्री का एक टॉपिक। कितने प्रकार के रिएक्शन होते हैं ये हम लोग समझेंगे आज के वीडियो में। टोटल रिएक्शन 4-5 प्रकार के बताए गए हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। तो हमने एक वीडियो पहले बनाया हुआ था रेडॉक्स रिएक्शन के ऊपर। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। तो शुरुआत करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से कि एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। जैसे नाम से ही लग रहा है कंबाइन करने का बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कंबाइन करते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर रिएक्टेंट का बात किया जाए तो मोर देन टू रिएक्टेंट होंगे। रिएक्टेंट की संख्या जब होगी दो या दो से अधिक होगी, जबकि प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट। तो इस प्रकार से अगर टू और मोर देन टू रिएक्टेंट दिख रहे हो, सिंगल प्रोडक्ट दिख रहा हो किसी प्रकार के रिएक्शन में, तो उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं हाइड्रोजन गैस और इसको बर्न करते हैं ऑक्सीजन में, ठीक है, देन इट विल फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट वाटर H2O, ठीक है। इस प्रकार से रिएक्टेंट दो हो गए और प्रोडक्ट हो गया एक, इस प्रकार का रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। कोई भी रिएक्शन हो, चाहे कोई भी रिएक्शन हो, केमिस्ट्री में अगर हम लोग रिएक्शन लिख रहे हैं तो उसे बैलेंस करना बेहद जरूरी है। तो रिएक्शन लिखने के साथ साथ हम लोग बैलेंसिंग भी सीखते जाएंगे। तो बैलेंस करने में क्या करना होता है, तो रिएक्टेंट में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं प्रोडक्ट में उतना ही नंबर ऑफ एटम हमको कर देना है। जैसे बात करते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 30, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है 2, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन 2 दिख रहा है, तो लग रहा है कि भाई ये बैलेंस। लेकिन ऑक्सीजन का बात किया जाए तो 2 ऑक्सीजन है इस तरफ, लेकिन इस तरफ एक ही ऑक्सीजन है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या किए, यहाँ 2 से कर दिए मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन हो गया 2। लेकिन हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 2 2 4 हो गई, 2 2 4 हो गया, इसको बैलेंस करने के लिए हम 2 से कर दिए मल्टीप्लाई, अब हाइड्रोजन भी बैलेंस और ऑक्सीजन भी बैलेंस। चलिए दूसरा रिएक्शन लेते हैं, कार्बन कोल को अगर हम लोग बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तब ये सिंगल कंपाउंड बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये अगर देखा जाए तो ये रिएक्शन अपने आप में बैलेंस्ड रिएक्शन है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों है, तो यहाँ पे भी रिएक्टेंट की संख्या 2 है और प्रोडक्ट है सिंगल। चलिए एक और देखते हैं हम लोग, H2 हाइड्रोजन गैस, इसको क्लोरीन गैस के साथ अगर रिएक्शन करवाया जाए तो बनेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये क्यों है कॉम्बिनेशन, क्योंकि रिएक्टेंट है 2 प्रोडक्ट है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 1 है, तो हम लोग 2 से कर दिए मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन हो गया बैलेंस। क्लोरीन को भी काउंट कर लेते हैं, यहाँ 2 क्लोरीन, यहाँ 2 क्लोरीन, ये भी हो गया बैलेंस। चलिए एक और लेते हैं हम लोग अगला रिएक्टेंट लेते हैं हम लोग क्विक लाइम, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको हम लोग डिजोल्व किए बेटा वाटर में H2O में, ठीक है। 2 रिएक्टेंट, सिंगल प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है CaOH2, ठीक है। होल टू क्यों, तो OH की वैलेंसी है 1, जो कैल्शियम के नीचे आ गया, कैल्शियम की वैलेंसी है 2, जो OH के नीचे आ गया, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया CaOH2। अब देख लेते हैं क्या ये बैलेंस है या नहीं, अगर बैलेंस नहीं है तो हम लोग कर लेंगे इसको बैलेंस। कैल्शियम है 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन भी है 2, तो अपने आप में बैलेंस्ड रिएक्शन है। इस प्रकार से 3-4 रिएक्शन हम लोग देखे, इन सभी में क्या कॉमन चीज दिखा, तो रिएक्टेंट 2 है और प्रोडक्ट है सिंगल। इस प्रकार से ये रिएक्शन कहलाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और यही इसकी पहचान है, ठीक है। 2 और मोर रिएक्टेंट एंड सिंगल प्रोडक्ट, ये पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। दूसरा देखते हैं हम लोग डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें देखते हैं क्या होता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का पहचान क्या है, इसका पहचान है सिंगल रिएक्टेंट, 2 और मोर प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट की संख्या बस 1 होगी और प्रोडक्ट में हमें 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, एग्जाम्पल में हम क्या लेंगे, तो हम लोग लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3, ठीक है, ये सॉलिड है। इसको लेकर के हम लोग हीट किए, गर्म करने का सिंबल होता है डेल्टा, इसको गर्म करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, तो ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, और साथ ही साथ बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर रिलीज हो रहा है। यहाँ देखिए कि सिंगल रिएक्टेंट है, हीट करने पे ये 2 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया,
तो ये हो गया डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब टूटना, ब्रेक डाउन होना, इस प्रकार से डिकम्पोज होकर के बन रहा है ऐसा। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। हम लोग लिए PbNO3 whole 2। ठीक है, PbNO3 whole 2, इसको कहते हैं हम लोग लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट जब हम लोग फिर से गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो ये कन्वर्ट हो जाता है लेड ऑक्साइड में। लेड ऑक्साइड का मतलब हो गया PbO। ठीक है, और साथ ही साथ बनता है ये NO2 और रिलीज होता है ऑक्सीजन गैस। NO2 और रिलीज होगा क्या? ऑक्सीजन गैस। ठीक है, अब इसको करते हैं हम लोग बैलेंस। यहाँ पे भी एक सिंगल रिएक्टेंट है और दो से अधिक, यानी कि यहाँ पे तीन प्रोडक्ट दिख रहे हैं। तो इसको बैलेंस करने के हम लोग क्या करेंगे, तो देखा जाए कहाँ से बैलेंसिंग से शुरू की जाए। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग शुरुआत करते हैं कहाँ से किया जाए। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन से देखते हैं, ऑक्सीजन है 3, 2, 6, यहाँ पे ऑक्सीजन है 2, 2, 4, 1, 5। तो पहले अगर ऑड संख्या में हो ना कोई चीज, तो उसको इवन करने से हम लोग शुरुआत करें तो बैलेंस करने में सुविधा होती है। तो इसको हम लोग पहले बैलेंस कर लेते हैं। इसको कर लिए हम लोग 2 से कर लिए मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इससे ऑक्सीजन की संख्या हो गई अब ऑड के बदले इवन में। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही 2 लगाया, इसकी लेड की संख्या हो गई 2, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। जब जैसे ही 2 लगाएंगे, सबका संख्या क्या हो गया, डबल डबल होता चला जा रहा है। ठीक है, तो नाइट्रोजन ये देखा जाए तो नाइट्रोजन 2 इधर मल्टीप्लाई है, 2 यहाँ लगा हुआ है, तो 2 2 4। यहाँ पे हम लोग 4 लगा देते, नाइट्रोजन की संख्या हो गई 4। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन को काउंट कर लेते हैं, टोटल ऑक्सीजन कितने हैं। तो टोटल ऑक्सीजन यहाँ पे है 3 2 6 और 6 2 12, 12 है या नहीं। तो 4 2 8 ऑक्सीजन है, 8 2 10 2 12। ऑक्सीजन हो गया बैलेंस, नाइट्रोजन हो गया बैलेंस और लेड की संख्या भी हो गई बैलेंस। ठीक है, इस प्रकार से लेड नाइट्रेट ये डिकम्पोज होकर के लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन में हो जाता है कन्वर्ट। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। लेते हैं FeSO4। ठीक है, FeSO4 ये है फेरस सल्फेट। इसको अगर हम लोग गर्म करते हैं फिर से, इसको अगर हम लोग गर्म करते हैं तो ये बन जाता है क्या क्या, तो ये बन जाता है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, और साथ ही साथ क्या बनेगा, तो साथ ही साथ बनेगा SO2 और SO3, SO2 और SO3। ठीक है, अब इसको करते हैं हम लोग बैलेंस। यहाँ पे देखा जाए तो सल्फर यहाँ पे 1 है, इस तरफ सल्फर 2 है, आयरन यहाँ पे 2 है, तो हम लोग सीधे 2 से कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई। आयरन बैलेंस हो गया, सल्फर बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन देख लिया जाए 4 2 8, 3 ऑक्सीजन 3 6 ऑक्सीजन और 2 8 ऑक्सीजन। इस प्रकार से ये हो गया बैलेंस। तो इन सभी हम लोग क्या देख रहे हैं, डिकम्पोजिशन होने के लिए क्या किया जा रहा है, हीट। इस प्रकार से अगर हीट देने के बाद कोई सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा हो, यानी कि डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो इस प्रकार के डिकम्पोजिशन को हम लोग हीट डिकम्पोजिशन बोलते हैं। यानी कि हीट देने की वजह से, गर्म करने की वजह से वो डिकम्पोज हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हीट डिकम्पोजिशन। पहचान फिर से वही रहेगा, सिंगल रिएक्टेंट एंड मल्टीपल प्रोडक्ट। कुछ और भी हैं इसके अलावा, जैसे हम लोग एक फोटो लाइट की वजह से भी डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, तो लाइट की वजह से डिकम्पोजिशन किसमें होगा भाई, तो ये लेते हैं हम लोग AgCl। ठीक है, AgCl, तो AgCl इसको अगर हम लोग सनलाइट एक्सपोज करते हैं, सनलाइट में इसको रखा जाए, तो ये ब्रेक हो जाता है सिल्वर और क्लोरीन गैस इसका रिलीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सिल्वर और क्लोरीन गैस में ये ब्रेक कर गया, कर लेते हैं इसको बैलेंस। क्लोरीन की संख्या यहाँ पे 2 है, बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिए, ये भी 2 लगा दिए, अभी हो गया बैलेंस। ऐसे ही सिल्वर का ही एक और होता है, सिल्वर ब्रोमाइड बोलते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड को अगर सनलाइट में एक्सपोज किया जाए तो फिर से ये सिल्वर और ब्रोमीन गैस में हो जाता है रिलीज। ठीक है, गैस अगर रिलीज हो तो एरो से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाबू। फिर से इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 लगाया तो ब्रोमीन बैलेंस, और इसको बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ पे लगाया तो सिल्वर भी बैलेंस। इस प्रकार से ये हो गया लाइट डिकम्पोजिशन, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होने वाला रिएक्शन। एक होता है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, जैसे उसका इधर एग्जांपल क्या है, हम लोग वाटर लेते हैं। वाटर में अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो ये अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। इसको भी कर लेते हैं हम लोग बैलेंस। ठीक है, यहाँ लगा दिए 2, तो अपने आप में हो जाएगा बैलेंस। जिस प्रकार से 3 प्रकार का डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखे, एक हीट डिकम्पोजिशन शुरुआत में, फिर एक देखे लाइट डिकम्पोजिशन जिसमें सनलाइट के प्रेजेंस में
डिकम्पोज हो रहा था कोई रिएक्टेंट, और यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। तो ये तीन प्रकार का डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, ठीक है, समझ में आई। इस प्रकार से आज हम लोग दो समझे, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सारांश के तौर पर अगर बात कर लिया जाए तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें सिंगल रिएक्टेंट हो और दो या दो से अधिक प्रोडक्ट हो तो वो कहलाएगा डिकम्पोजिशन। इसी का जस्ट उल्टा होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट होंगे और प्रोडक्ट रहेगा सिंगल, ठीक है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं और हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ठीक है। तो तब तक ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का।